हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो दिखने में बहुत मासूम हैं, लेकिन जब वो अपना असल रूप दिखाते हैं तो सामने वाले जानवर को हैरान कर देते हैं। इस तरह उसके नब्स पर काबू पा लेते हैं, उस पर इस तरह अटैक करते हैं कि वो हक्का बक्का रह जाता है। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं मासूम दिखने वाले रीछ की, जो कि बहुत मासूम है लेकिन उसके अटैक्स इतने खतरनाक हैं कि देखने वाला जानवर परेशान हो जाता है और उसे एक मिनट का मौका नहीं मिलता और वो ऐसे इसका शिकार बनता है कि उसने तस्वीर भी नहीं किया होता। आज की इस वीडियो में आपको इस रीच के कुछ ऐसे खतरनाक शिकार दिखाने वाले हैं कि आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये इसको कैसे शिकार कर सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं किस तरह ये रीच एक शेर को शिकार करता है, किस तरह ये रीच एक पहाड़ी जानवरों को शिकार करता है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, यहाँ देखिए सबसे पहले इस रीछ को किस तरह पानी के अंदर जाकर इस हिरन का शिकार कर रहा, क्योंकि रीछ पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है लेकिन हिरन पानी के अंदर जाके बेबस हो जाती है, वो अपनी भागने की सलाहियत भी खो देती है और इन्हीं छोटी छोटी बातों का जंगल में फायदा उठाया जाता है, जो कि इस रीच ने उठा लिया। अब रीच इतना ताकतवर है और इतना खतरनाक है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दिखने में तो ये बड़ा मासूम सा है, बंदा तस्वीर भी नहीं कर सकता कि ये इतने ज्यादा जानवरों को अटैक कर सकता है या इतने ज्यादा जानवरों से अपना दिफा कर सकता है। इसकी वाज़े मिसाल ये आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह बर्फानी कुत्ते इस रीच के इर्द गिर्द मौजूद हैं और बड़ी आसानी से ये उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे, लेकिन रीच कहां हिम्मत हारता है, यही तो इसका असल रूप है। ये आसानी से किसी भी जानवर को अपने पास नहीं आने देता। ये तो इन कुत्तों की किस्मत अच्छी थी कि ये बड़ी तादाद में थे, अगर ये अकेले होते तो ये रीच इनको शिकार कर लेता। और देखिए किस तरह रीच बार बार घूम घूम कर इनकी तरफ देख रहा और ये कुत्ते इस रीच के करीब आने का नाम नहीं ले रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह ये जंगली भैंसे के पीछे लगा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगली भैंसा और कहां रीच, अब रीच जंगली भैंसे का क्या करेगा। अब देखिए किस तरह ये जंगली भैंसा आगे आगे और रीच ने उसको पकड़ा हुआ और अपना पूरा जोर उस पर मार रहा, पूरी जान मार रहा कि किसी ना किसी तरीके से इसको रोक लूं, इसे पकड़ लूं और अपना खाना बना लूं। लेकिन ये तो इस भैंसे की किस्मत अच्छी है कि वो देखते ही देखते वहां से भाग निकला। नाज़रीन, अब आपको ये मासूम दिखने वाला जानवर कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा ये क्लिप देखने के बाद हो जाएगा। ये देखिए किस तरह इन सुअरों का पूरा रेवड़ है और उसके इर्द गिर्द चार दीवारी है। अब देखिए किस तरह ये भालू उनके रेवड़ पर पहुंच गया और इन सुअरों के बच्चे को उनके सामने अपने मुंह में दबा कर उठा कर ले आया और ये मंजर बड़ा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि ये सुअर का बच्चा अकेला नहीं था, उसकी पूरी फैमिली वहां मौजूद थी। लेकिन इस भालू की हिम्मत और जुर्रत देखिए कि उनके सामने इस सुअर के बच्चे को उठा कर ले आया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, जंगल में तो बहुत से जानवर मौजूद होते हैं और जिस जानवर पर बस चलता है जोर आजमाता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। अब यहाँ देखिए इस रीच के पास इस टाइगर के बच्चे पहुंच जाते हैं। अब इन बच्चों को क्या मालूम कि ये रीच कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और देखते ही देखते ये रीच का मूड बदल गया। रीच ने सोचा कि आज इन बच्चों पर अटैक करूंगा, इन बच्चों पर हमला करूंगा, मेरा तो आज का दिन पूरा हो गया, मतलब कि आज मैं पेट भर के खाऊंगा। और जैसे ही ये रीच इन बच्चों पर अटैक करने लगता है तो वहीं दौड़ते दौड़ते दो टाइगर आन पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही, वो देखिए किस तरह रीच पर अटैक कर रहे। अब ये मंजर कितना खतरनाक हो सकता है ये आप देखिए, एक रीच और दो टाइगर आमने सामने हैं। पहले तो रीच इनसे जान बचाने की बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन आज ये टाइगर शायद फैसला करके आए थे कि ये हमारे बच्चों को तंग कर रहा है तो इसे हमने चीर फाड़ देना है। ये लड़ाई बड़ी देर तक जारी रही, कभी रीच उन पर अटैक करने की कोशिश करता था और कभी ये टाइगर रीच पर अटैक करते थे, और ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा। और फिर इस रीच ने यही फैसला किया कि इनसे बच बचा के किसी तरीके से बचा जाए, नहीं तो ये दोनों
दोनों टाइगर मिलकर मेरी जान ले लेंगे। और फिर हुआ यही, आहिस्ता आहिस्ता दुम दबाकर रीच वहां से भाग निकला। नजरीन, शेर कितना ताकतवर होता है और उसकी लड़ाई करने की और उसकी सामने वाले जानवर पर अटैक करने की सलाहियत कितनी ज्यादा होती है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शेर होते हैं जो जंगल में कैद होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल ना करने की वजह से वो कमजोर पड़ते जाते हैं और वो अपना शिकार करने का और अटैक करने का वार भूल जाते हैं। और इसी चीज का फायदा ये जंगल के जानवर उठाते हैं, क्योंकि जंगल में कोई भी जानवर जब रहते हैं तो उन्हें जंगली जानवरों को इकट्ठा तो नहीं रखा जा सकता, हर कोई अलहदा अलहदा रहता है। लेकिन जब यही जानवर एक चिड़ियाघर में रखे जाते हैं तो चिड़ियाघरों में वो अलहदा अलहदा जंगलों में रखे जाते हैं। और जब एक जंगले से दूसरे जंगले पर कोई भी जानवर जाएगा तो उस जंगले वाला जानवर उसका अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करेगा, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे घर में मेरे एरिया में कोई दूसरा जानवर आए। यहाँ देखिए, इस रीच के पिंजरे में ये शेर आन पहुंचते हैं और फिर हुआ इन शेरों के साथ क्या, वो आप ये देख सकते हैं। बारी बारी इस रीच पर दोनों शेर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रीच कहता है तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह दूसरे के घर में घुसा जाता है। और फिर देखिए, रीच ने इन दोनों शेरों को मात दे दी और इन दोनों शेरों को वापस अपने पिंजरे में भेजने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आप ये मत तसव्वुर कीजिएगा कि रीच अगर जमीन पर रहता है तो वो सिर्फ जमीन वाले जानवरों पर अटैक करेगा। कुछ जानवर मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, वो ना सिर्फ जमीन वाले बल्कि पहाड़ों पर भी वार करना अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कठिन रास्तों पर, मुश्किल रास्तों पर सरवाइव करना जानते हैं और ये जंगली रीच भी इस चीज में महारत रखते हैं। अब देखिए किस तरह पहाड़ी बकरियां, जो कि बड़ी जंगजू होती हैं और बड़ी जानदार होती हैं, वो आसानी से किसी भी जानवर के हाथ नहीं आती। लेकिन ये रीच इस बात को जानता है कि किस जानवर को किस लम्हे किस तरह अटैक करना है और इसी चीज का फायदा इस रेवड़ पर इसने उठाया। अब देखिए, माँ आगे आगे है और पहाड़ी बकरियां पीछे पीछे, और पल भर में इसने इस पहाड़ी बकरी की बच्ची को पकड़ा और अपने नुकीले पंजों से उसे इस तरह चीर फाड़ दिया कि वो बेचारी पल भर में मौत की नींद सो गई और उसे मौका भी नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा सके या अपनी माँ को आवाज दे सके कि मुझे बचाओ। नाज़रीन, कहा शेर, कहा टाइगर और कहा पुमा, पुमा का मुकाबला कोई कोई जानवर करता है, लेकिन ये रीच पुमा को ऐसा सबक सिखाता है कि ये पुमा भागने पर मजबूर हो जाता है। नहीं यकीन आ रहा तो ये वीडियो देख लीजिए। पुमा पहाड़ों पर रहता है और पुमा पहाड़ों पर ऐसे वार करता है कि कोई जानवर उसके सामने टिक नहीं पाता। अब ये पुमा इस रीच पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा। जब रीच ने देखा कि ये मुझ पर अटैक कर सकता है तो देखिए किस तरह रीच ने खड़े होकर अपने दोनों पैरों पर अपने सामने वाले दोनों हाथों से इस पर अटैक करने की कोशिश की और पुमा दो कदम पीछे हुआ और पुमा ने भी उल्टा इस रीच पर अटैक करने की कोशिश की। और देखिए दोनों किस तरह आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूर रहे और मौका तलाश कर रहे हैं कि मैं पहले अटैक करूं। और फिर रीच ने जब अटैक किया तो पुमा को काफी गहरा जख्म पहुंचा और पुमा ने इसी बात में ही बहादुरी समझी कि यहां से भागा जाए और यहां से बच बचा कर निकला जाए, वरना ये रीच मुझे काफी नुकसान दे सकता है। आज की इस वीडियो में आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये रीच कितने जंगजू, कितने बहादुर और कितने निडर होते हैं। और हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।